ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं मुस्कान। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी द्वारा गोरखपुर मंदिर में मनाया गया गुरु पूर्णिमा। उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर में दिनांक 5 जुलाई 2020 को गुरु पूर्णिमा मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गुरु गोरखनाथ बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज के समाधि स्थल पर मत्था टेक कर आशीर्वाद प्राप्त कर ब्रह्मलीन दिग्विजय नाथ महाराज, ब्रह्मलीन नवमी नाथ महाराज सहित अन्य समाधि स्थल पर पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त किए। पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष कोरोना काल की वजह से सभी शिष्यों को महाराज जी से सीधे आशीर्वाद नहीं प्राप्त होगा, उनके पास पात्रों के द्वारा आशीर्वाद भेजा जाएगा। केवल प्रमुख मंदिर सेवकों को आशीर्वाद दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुरु पूर्णिमा गुरु पूजन का पर्व है। उन्होंने जनता से अपील की कि कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत गुरु पूर्णिमा का पर्व सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्व पालन करते हुए मनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी संस्कृति में गुरु को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है। गुरु को ब्रह्मा, विष्णु को महेश के समान बताया गया है। गुरु शिष्य को रचता है, इसलिए वह ब्रह्मा है। गुरु शिष्य की रक्षा करता है, इसलिए वह विष्णु है। गुरु शिष्य के सभी दोषों का संहार करता है, इसलिए वह साक्षात महेश्वर है। हमें गुरु पूजन पूरी आस्था और श्रद्धा भाव से करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवन में गुरु के महत्व से भावी पीढ़ी को परिचित कराने के लिए यह पूर्व आदर्श है। गुरु पूजन का यह पर्व हमें सतमार्ग पर ले जाने वाले उन महापुरुषों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता अर्पित करने की प्रेरणा देता है, जिन्होंने अपने ज्ञान त्याग कर और तपस्या से समाज, राष्ट्र और विश्व को नई राह दिखाई। सनातन संस्कृति में ज्ञान प्राप्त के लिए गुरु शिष्य की सुदीर्घ परंपरा है। बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। गुरु के आशीर्वाद से सभी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गोरखपुर। गुरु पूर्णिमा 5 जुलाई को मनाया जाएगा। इस अवसर पर गोरख पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने श्रद्धालुजनों से अपील किया है कि अपने घरों में ही सभी लोग कोरोना महामारी को देखते हुए गुरु पूर्णिमा मनावें। उन्होंने शुभकामना देते हुए महायोगी गोरखनाथ जी से उनके सुखमय जीवन की कामना की है।